गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एचआरडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इंग्लिश की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको प्रोनाउन के 3 टाइप्स बताए हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स और रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन्स के 3 टाइप्स पढ़े थे, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो डेफिनेशन देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच इज यूज ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चंस। वो जिन प्रोनाउन से प्रश्न का बोध हो उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जिस वर्ड से, एग्जाम्पल देखिए, जिन वर्ड से हमें प्रश्न का बोध होता है, जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या, कौन, कैसे, है ना, हिंदी में हमने पढ़ा था, वैसे ही उसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव कहते हैं। और उसके लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं, तो देखिए हु, विच, वॉट, हुम, हुज। तो ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स का उपयोग हम सर्वनाम में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, विच इज योर पेन, वॉट इज द मैटर, है ना। तो इस तरह से विच, वॉट क्या है, प्रोनाउन कौन से हैं, इंट्रोगेटिव है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है या रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन देखिए रिलेटिव प्रोनाउन की। द प्रोनाउन हु, whom, whose, which and that which join two sentence and refer back to a noun going before them are called relative pronouns. Two sentence. ये जो वर्ड्स दे रखे हैं who, whom, whose, which and that, तो pronouns, ये जो pronouns वर्ड्स है वो क्या करेंगे, two sentence को क्या करेंगे, join करने का काम करेंगे, join करने का, and refer back to noun going to before them are called relative pronouns। वे pronouns जिनमें एक दूसरे से क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, दोनों को joint करके उन दोनों के बीच का relation बताएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, relative pronouns कहेंगे। Example देखिए, this is a pen that you give me, this is a pen, ये pen है, that you give me, जो तुमने मुझे दिया है। तो this is a pen सेंटेंस अलग है, यू गिव मी सेंटेंस अलग है, दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा है सेंटेंस को, डेट ने, दिस इज ए पेन डेट यू गिव मी। नेक्स्ट देखिए, दिस इज ए मैन हु मीट मी द मार्केट यस्टरडे, दिस इज ए मैन, ये वही आदमी है, अलग है, और हुज इसने दोनों सेंटेंस को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो देखिए मीट मी इन द मार्केट यस्टरडे, ये वही आदमी है जो कल मुझे मार्केट में मिला था। तो इस तरह से आज हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है। तो आज आपको इन्हीं के बारे में कॉपी वर्क करना है और वापस इनको समझना भी है। थैंक यू।